अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ उमर द फ्रेंड, यू आर वॉचिंग WCL व्लॉग्स। आज है संडे, सुबह का है एग्जैक्टली 5 o'clock और हम जा रहे हैं पायलट स्कूल में मैच खेलने। SPL T10 का पहला ओपनिंग मैच है और मेरे साथ इस वक्त मेरे टीम मेंबर्स मौजूद हैं। शिबाज भाई पहुंच चुके हैं टाइम पे और अब हम जाने लगे हैं स्कूल की तरफ। तो शिबाज भाई का डेब्यू होगा टू विद टफ वन डार्क हॉर्सेस टीम। सो आज एक्साइटेड अबाउट इट? यस, आई एम वेरी एक्साइटेड। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। सो चलते हैं ग्राउंड। कल मैं पैदल जा रहा था, आज मैं बाइक पे जा रहा हूँ और ग्राउंड इट्स नॉट फार अवे, बट फिर भी बाइक पे ये भाई आ गए हैं शिबाज भाई, तो उनका थैंक यू। सो जाके ग्राउंड में किस तरह की पिच है, क्या हालात हैं, आपको मैं सब बताऊँगा। पहुँच चुके हैं अब ग्राउंड में। मैं अब ज़रा जा रहा हूँ पिच की तरफ। क्या ये बेसिकली यहाँ पे हमने पिच असाइन की होती हैं, पिचेस को नाम दिया। मैं पिच नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एट अ टाइम 6 मैच हो रहे होंगे और सेकेंड राउंड होगा उसमें 3 मैचेस होंगे। तो हमारा अभी फर्स्ट राउंड में मैच है, सुबह 5:15 टॉस टाइम है और 5:30 मैच का स्टार्ट टाइम है इंशाल्लाह। तो उस लिहाज से अब हम टाइम पे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी देखते हैं हमारे टीम मेंबर्स कितने को पहुँच गए हैं और कहाँ है, इधर ग्राउंड में चेक करना पड़ेगा। ग्राउंड की फर्स्ट लुक आपको देते हैं। ये है एक ग्राउंड और इसी तरह एक और ग्राउंड है दूसरी साइड पे, मैं वहाँ लेके जा रहा हूँ। इसको कहा जाता है फुटबॉल ग्राउंड और वहाँ पे आगे ग्राउंड है उसको कहा जाता है क्रिकेट ग्राउंड। ये है हमारी सामने जो आ रहे हैं, ये है इंतज़ामिया के शानी भाई। तो शानी भाई को जरा हाय हेलो करेंगे। जी शानी भाई, वालेकुम अस्सलाम सर। ऑल मैं टाइम पे आ गया हूँ लेट। थैंक यू सो मच। सो दिस इज़ क्रिकेट ग्राउंड, माशाल्लाह बहुत बड़ा ग्राउंड है, खुला डुला ग्राउंड है। इतना मर्जी मारें चौके छक्के बॉल घूमेगा नहीं। सो लेट्स सी किस तरह का, किस पिच पे हमारा मैच। तो मुझे लग रहा है हमारा मैच है इस पिच पे, बाकी देखते हैं। ये हैं जी हमारे, मैंने जैसे बताया था शिबाज न्यू प्लेयर ज्वाइन किया, तो इनको हम शर्ट प्रेजेंट कर रहे हैं। उस्मान टॉस टाइम जी, एक मिनट कहाँ गया जी। अफरीदी आप जीत गए हैं टॉस, क्या कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बैटिंग कर रहे हैं जी। ठीक है जी, बैटिंग कर रही है टफ वन जी। ओल्ड स्टार्स कैसे हैं इमरान भाई आप? क्या कहें, तो बॉलिंग के लिए तैयार है? गिली पिच है, मेरे ख्याल में एडवांटेज गिली पिच का ही होगा। न्यूज फ्रॉम द सेंटर, टफ वन टॉस जीती है और गिली पिच पे हमने बैटिंग का फैसला किया। वंस अगेन बात भी हुई थी कि हमें लगता है कि हम शायद डिफेंड अच्छा कर लेते हैं, तो देखते हैं टीम किस तरह परफॉर्म करती है। अभी एक दो प्लेयर्स का वेट है जो कि माशाल्लाह ऑलवेज लेट हैं, तो वो आते हैं तो फिर टीम फाइनलाइज करते हैं 11 और उसके बाद मैच स्टार्ट होगा। टाइम में हमारा प्लेइंग 11 देने का, स्टम्प सैप पे हमारी स्कोरिंग होती है। तो प्लेइंग 11 हम अब डिसाइड कर रहे हैं। उम्मीद है कि जो बेस्ट प्लेइंग 11 होगी वो डिसाइड करेंगे टीम के लिए। पहले तो मैं बॉलर पूरे कर रहा हूँ, बॉलर के साथ कुछ बैट्समैन के साथ सफाई के। बॉयज हमारा पहला माशाल्लाह मैच है और मुझे पूरी एनर्जी चाहिए टीम की, प्लीज़ इस टीम को इस टूर्नामेंट में। तो पहले मैच से एनर्जी शो होगी। अभी गिली पिच पे हम बैटिंग इसलिए की क्योंकि हम डिफेंड अच्छा कर लेते हैं, टोटल जो हमारा रिकॉर्ड रहा है इसलिए हम पहले बैटिंग कर रहे हैं। तो काइंडली जो टीम में है वो टीम के साथ बहुत ज़्यादा एफर्ट करें, जो टीम में नहीं भी हैं वो भी फील्ड में ज़रा अपनी ज़्यादा सपोर्ट दें। ठीक है जी, इस वक्त मैं 11 बता दूँ, मैं 11 में नहीं हूँ, अफरीदी 11 में नहीं है, उस्मान नहीं है, अवैस नहीं है, नहीं वो माना को ऐड करना है, अवैस नहीं है और अमन नहीं है, शराज नहीं है और मुजम्मिल नहीं है, मुजम्मिल है ही नहीं इधर, पता नहीं कहाँ है। तो बाकी पोला 11 में वो पहुँच रहा है और इमरान ने के 11 में वो भी पहुँच रहा है। ठीक है जी, मैच शुरू हुआ चाहता है, टूर्नामेंट का पहला मैच, इससे थोड़े से डिलेज आ रहे हैं क्योंकि अभी वो चीज़ें पहली दफ़ा चीज़ों को टीमों को चीज़ें बताई जा रही हैं कि बैटिंग क्या है, वो सर्कल क्या है, बाउंड्री क्या है और पीछे ज़रा कर रही हैं एग्जामिन टीम्स। तो स्टार्ट होने को ओल्ड स्टार हमारी चैम्पियन रही है 2 पिछली लीग्स की, तो हम ऑब्वियसली उनका अपर हैंड है, बट हमारी टीम भी कोशिश करेगी उसको बेहतर से बेहतर परफॉर्म करने की। कौन सा ये जी हमारे न्यू प्लेयर ऐड हो रहे हैं, पहले ओवर के बाद एक स्कोर हुआ है। पिच ज़रा मुश्किल लग रही है, 4-5 बीट सुइयाँ बड़ी हैवी किस्म की शॉर्ट पिच बॉल्स। सो आगे देखते हैं टीम किस तरह परफॉर्म करती है। वाइड बॉल है यार, वाइड बॉल कर रहे हो।
ओए 2 ओवर में 12 स्कोर पे 1 आउट। हाँ माशाल्लाह 6 है यार। बोले क्या कर रहे हो भाई? ओए यार चल चल दो 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 दे दो। वेरी गुड बॉयज वेरी गुड। चल चल अगला अगला। 3 ओवर में 24 स्कोर है, 2 विकेट्स डाउन। टीम प्रोग्रेस तो अच्छी कर रही है, होप ये 100+ पोस्ट कर दें। जी बोले कैसे पिच चल रहा है अभी तक? 1 बॉल खेला आपने, 3 में 24 है। कितना कुछ सोच रहे हो जाएगा स्कोर? 100+ होना चाहिए। तो कर लेना कोशिश। ओया वेरी गुड वेरी गुड। डबल 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 दे दो। वेरी गुड शॉट, चौका हो गया। ये कौन है भाई छोटी वाली? चल 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 दे दो तंजीले। वेरी गुड चल चल दे दो दे दो दे दो। दो है ये पक्का, दो है अगला, दो है अगला, दो है। तंजील वापस आ। वेरी गुड शाबा 3 आ गया। वेरी गुड 4 ओवर में 36 स्कोर है और थोड़ा सा बेहतरी गई है इस ओवर में हमारी, तो आई होप आगे भी ये टीम बेहतर करेगी, स्कोर प्रोग्रेस अच्छी होगी। हाँ वेरी गुड, तेज हो तेज हो तेज हो। ओए गुड कैच यार। 7 ओवर में 71 है। आई डोंट नो कि हम कितना करेंगे क्योंकि ये 2 ओवर बड़े अच्छे किए हैं टीम ने दूसरी। नो ओवरों में 80 स्कोर हुआ है, बहुत अच्छी बॉलिंग की है बॉलिंग साइड ऑल स्टार्स ने। 3 ओवर लास्ट बहुत अच्छे हुए हैं, आप देखते हैं 10 ओवर में हम 100 तक पहुंच पाते हैं कि नहीं। अब एक्सीलेंट बॉलिंग बाय ओल्ड स्टार, लास्ट 4 ओवर में बहुत अच्छी बॉलिंग की ओल्ड स्टार ने और 87 का टारगेट है। नो वेल कैच। ओए होए होए हाय 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 कैच बस कैच। ये 2 ओवरों में 25 स्कोर है, दूसरी टीम का 3 विकेट्स उनके गिर चुके हैं। सो बड़ा अच्छा खेल रहे हैं वो लोग, तो अभी हमें विकेट्स भी है सारा, विकेट्स के अलावा हमारा सर्वाइवल नहीं है कोई। वेरी गुड, ओए शुक्र है। वेरी गुड बच्चे वेरी गुड, अच्छे एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ओए होए 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 5 ओवरों में उन्होंने कर लिया 53, अब रह गया है 34 स्कोर। विकेट्स पे सारी गेम है, बॉलर एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा कर रहे हैं, सो चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। कैच ये ओए होए 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 ब्यूटीफुल। ये सैड फेसेस आप देख सकते हैं, मैच हम 7 ओवर में हार गए हैं क्योंकि वेरी बैड बॉलिंग, हमारे बॉलर्स के बॉल पहुंचे ही नहीं। अब जिस दिन बॉलर में ट्रस्ट था कि वो अच्छा करेंगे परफॉर्म, अगर बॉलिंग अप टू द मार्क नहीं हुई, जिस तरह की पिच थी उसको यूज़ नहीं किया गया, यूटिलाइज नहीं किया गया अपॉर्चुनिटीज़ को। सो दिस इज़ इट, आज की वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीक देखते हैं हमारी टीम किस तरह परफॉर्म करेगी। सो स्टे ट्यून्ड। उबैद एंड रजा आप थोड़ा बॉलिंग पर काम करें, बहुत ज़रूरी है हमें क्योंकि आप लोग यही बॉलर हैं। पीछे उस्मान है बैकअप है, वो भी आएगा, उसको इसलिए नहीं खिलाया कि हमने अहमद को जान दिया था, मगर अब हम अहमद के साथ खिला रहे हो, आप लोगों को ड्रॉप कर रहे हो, इसी तरह होगा। हर एक के लिए बड़ा ओपन वो है, शिराज आएगा वो जगह लेगा, ये 7 बॉलर है, 5 ने खेलना है, और 7 अगर दानिश को ऑप्शन दीजिएगा दानिश कर लेगा बॉलिंग, तो इसलिए। और बाकी माना जी, माना हो गया, आप हो गए भाई, और वो कौन है, और शाहरुख साहब थोड़ा सा बैटिंग पे काम करें, आप लोग 3-4 मेन बंदे जिनके ऊपर चलाना इसको।